जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का प्यारा सा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5। और उसमें जो पहला चैप्टर है आपका क्या हो गया, इसके पहले आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने डिटेल में उसे कवर कर चुका है, ठीक है। तो आज हम ये जो पोर्शन है ये आपका जो सेशनल सेकेंड होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आज कवर करने वाले हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है पेशेंट काउंसलिंग का, इसको देखने वाले हैं। और बेनिफिट मतलब पेशेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए क्या बेनिफिट है पेशेंट काउंसलिंग। उसके बाद स्टेज, चार स्टेज है, उस स्टेज को हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर नंबर 5 है पेशेंट काउंसलिंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक जी। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, जितना भी यहाँ टॉपिक लिखा गया है अति महत्वपूर्ण और सरल से सरल भाषाओं में यहाँ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालिएगा। अब इसमें लिखा क्या है इसे ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखा पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन डायरेक्शन ऑफ यूज साइड इफेक्ट प्रिकॉशन स्टोरेज इन राइट एंड फॉर्म। मतलब पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपके हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट आया, उसे आप यदि मेडिसिन दे दिए हैं, ठीक है, या देना है या कुछ भी करना है, तो एक हम कागज़ लिखते हैं, भैया आपका नाम क्या है, गांव का है, इस सब कुछ डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। यदि दवा उसे देते हैं तो उसका बताते हैं कि अच्छा डोज कैसे खाना है, किस डायरेक्शन के यूज करना है, इसे अप्लाई करना है कि खाना, ये सारी चीज़ें हम क्या कर देते हैं डिटेल उसमें लिख देते हैं, कितना टाइम ले रहा है, सुबह लेना है शाम लेना है, ये सब कुछ हम क्या कर देते हैं उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। तो वही लिखा पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड प्रोवाइडिंग मेडिकेशन और इंफॉर्मेशन होती है, किसके लिए, पेशेंट के लिए। और मान लेते पेशेंट या कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब क्या हो गया, यदि वो बेड पे है, ठीक, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके साथ जो आए हुए हैं तो उन्हें बताया जाता है ऑन डायरेक्शन ऑफ यूज, मतलब कोई भी ड्रग्स है उसका यूज कैसे करना, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसे प्रिकॉशन मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है, स्टोरेज कैसे करना, ये सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच ए फार्मासिस्ट गिव इंफॉर्मेशन एंड एडवाइज द पेशेंट एंड देयर केयर टेक रिगार्डिंग टू प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। मतलब क्या कर देता है, पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फार्मासिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन देता है, क्या कर देता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है या एडवाइस देता है किसको, पेशेंट को या उसके जो केयर करने वाले उनको, ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन बताया जाता है कि भाई ये समय समय से आप मेडिसिन लीजिएगा, ये इतने टाइम लीजिएगा, ये एक दो टाइम, ये तीन टाइम, ये आधा गोली, ये पूरा गोली, ये सब डिटेल में बताते हैं कि नहीं, तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारे पास पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, पेशेंट काउंसलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम नीचे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या उद्देश्य है, यानी एक्चुअल में तुम्हारे पास कुछ उद्देश्य रहेगा ना पेशेंट काउंसलिंग के लिए, तो उद्देश्य को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पेशेंट अंडरस्टैंड इंपोर्टेंट ऑफ यानी मेडिकेशन फॉर हेल्थ, मतलब अपने हेल्थ के लिए कितना इंपोर्टेंट कोई भी ड्रग्स आपके है, मेडिसिन कोई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उनका क्या कर देते हैं पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। टू इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब हम क्या कर देते हैं, कागज पर लिख लेंगे भाई इनको क्या हुआ, सब प्रॉब्लम देख लेंगे कि नहीं, सब प्रॉब्लम यदि लिख लेंगे तो हम जान जाएंगे अच्छा हार्ट अटैक के पेशेंट है, नहीं ये नहीं, ये मेडिसिन देनी है। और यदि मान लेते कोई इंफेक्शन है इनके अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लव्स लगा के इनके इंजेक्शन लगाएंगे और अदर चीजें, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे उसमें होने वाली है। तो यही चीजें क्या रखे हैं, यानी पेशेंट कॉम्प्लिकेशन को हम भी जान सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है या कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये सब कुछ अच्छे से हम क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा टू अवॉइड एडवर्स मेडिकेशन रिएक्शन एंड ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब क्या कहते हैं, यानी जो मेडिकेशन रिएक्शन है कितना तेजी काम करेगा और ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें। और ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब यदि जो हमारे पास ड्रग्स है किसी फूड से इंटरेक्ट करके फूड पॉइजनिंग ना कर दे, इसको भी हम नोटिस उसमें करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई इससे दवा से एलर्जी नहीं है कि नहीं, ये दवा कितने दिन से चली है, उसका जो हिस्ट्री पीछे वाला पर्चा होता है उसे भी हम क्या कर देते हैं एकदम डिटेल में देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा इंश्योर डैट ए पेशेंट बीकम
ए नॉलेजेबल एफिशिएंसी इफिशियंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन डिजीज ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर मैनेजमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या कहते हैं, हम बताओ यदि सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन की हमें मिल गई है तो हम इंश्योर हो जाएंगे, मतलब एकदम श्योर हो जाएंगे, जरूरी हो जाएंगे कि आपका तुम्हारे पास जो पेशेंट है, पेशेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास नॉलेज है सब क्या हो गया, सफिशियंट अमाउंट में है, एफिशियंट अमाउंट में है। और एक्टिव पार्टिसिपेंट इन डिजीज मतलब क्या होता है, जो डिजीज है प्रेजेंट टाइम में एक्टिवेट है, मतलब वो पीक पे है, यानी खतरा ज़्यादा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं और व्यवस्था करके इसका क्या कर सकते हैं, डिजीज का हम क्योर कर सकते हैं, ये सब कुछ यानी डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेल्फ केयर मैनेजमेंट। अब बताओ हम जान जाएंगे, अच्छा इनको ये पेशेंट को ये बीमारी है, जैसे मान लेते हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस क्या करेंगे, तो उस पर्सन को वहां पर हम क्या कर देंगे, बेड पे एक नोटिस लगा देंगे, कोई भी मान लेते नर्स है या कोई फार्मासिस्ट है वहां यदि जा रहा है तो उसे क्या करेगा, ग्लव्स का यूज करेगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ग्लव्स का यूज करेगा, क्योंकि उन्हें हेपेटाइटिस हो रखा या कोई अदर डिजीज है, एचआईवी है, एचआईवी यदि हो रखी तो हमारे अंदर भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं, तो हमें अच्छे से केयर करना है, तो हम सेल्फ केयर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम रजिस्टर में उनके मेंशन कर देंगे, तो कोई भी यदि डॉक्टर हो, ठीक है, यदि मान लेते हैं हमारी ड्यूटी शिफ्ट हुई, दूसरा कोई पर्सन आया वो नहीं जान रहा इन्हें हेपेटाइटिस हुआ, इंजेक्शन लगाने गया ग्लव्स नहीं लगाया, ठीक है, तो भी उनके डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि उनके बारे में काउंसलिंग के जरिए सब पेशेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज कर लेंगे, डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट करना, उसमें कौन सी मेडिसिन चाहिए, सारी चीजें देख लेंगे, तो हम क्या कर देंगे, जान जाएंगे कि अच्छा इसे बीमारी हुई, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखा तुम्हारे पास बेनिफिट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, क्या फायदा है काउंसलिंग का, क्या फायदा बताइए काउंसलिंग। चलिए आप दुकान में, आप यदि मेडिकल स्टोर पर रहते हैं तो वहां पर कोई भी दवा यदि खत्म होने वाली है तो उसे हम क्या कर देते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं, यस आर नो, फिर अगले दिन उसे क्या कर देते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, अपना दुकान पर आ जाता है। बताओ हमें प्रॉपर हम अपनी दुकान की काउंसलिंग नहीं करें, अच्छा ये दवा खत्म हो गई, ये मंगा नहीं, ये सब, तब एक क्या होगा, महीने से दो महीने में आपकी दुकान पूरी झड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं, तो वही चीजें क्या होता है, काउंसलिंग के जरिए। उसी तरह से पेशेंट के भी काउंसलिंग करने का बहुत सारे फायदा है, किसके लिए, पहले लिखे बेनिफिट टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या बेनिफिट है, उसके बाद हम फार्मासी यानी बेनिफिट टू पेशेंट, अब पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, ये भी हम इसमें डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट टू फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को एक्चुअल में फायदा क्या है। तो सबसे पहले लिखा जॉब सेटिस्फिकेशन इज एनहांस एज द रिजल्ट ऑफ बेटर पेशेंट आउटकम, मतलब क्या होता है, यदि फार्मासिस्ट को उनकी पूरी देखिए, अब देखिए काउंसलिंग यदि की गई है तो फार्मासिस्ट को क्या फायदा रहा, उनका एक ही, अब बताओ 100 आदमी हैं एक रूम में, अब सबसे जाके थोड़ी ना पूछेंगे भाई तुम्हारा क्या कंडीशन, ये कंडीशन, एडमिट के ही टाइम सारी हिस्ट्री उनकी क्या कर दी जाती है, एक पेपर पे लिख के उनका जो फाइल रहती है उसी के अंदर वो लगा दी जाती है। तो जो पर्सन आएगा तो जॉब सर्टिफिकेशन और इनहांस कर सकता है पेशेंट के, अब से बेटर आउटकम प्राप्त कर सके, ठीक, इसीलिए क्या हो जाता है, यानी काउंसलिंग की जाती है। नेक्स्ट में लिखा है फार्मासिस्ट आर प्रोवाइड, ठीक है, फार्मासिस्ट आर प्रोवाइड विद द वैल्यू एडेड सर्विस, मतलब जो भी यदि उनकी बीमारी के बारे में जान रहा है तो उन्हें जो भी बेटर से बेटर मेडिसिन रहेगी या अच्छी से अच्छी क्वालिटी सुविधा रहेगी उन्हें क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं पेशेंट केयर डेट यानी टेक्नीशियन कैन नॉट रिप्लेस इज स्टेबलाइजिंग, मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उनकी कंडीशन हम जान रहे हैं, अच्छा मान लेते हैं रेयर कंडीशन है तो उन्हें आईसीयू या एनआईसीयू में रखेंगे, ठीक है, ये इसमें रखेंगे तो उसमें जो भी चीज उसे ट्रीट रहेगी, जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उनके बगल में क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर रख देंगे, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट रिप्लेस स्टेबलाइज, मतलब अब देखो डिजीज के बारे में पता चल गया तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं चलो दूसरे जगह तुम चले जाओ, ऐसे नहीं, उनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में जान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। फिर लिखा है प्रिकॉशन ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आर इंप्रूव, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी पर्सन का, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो आपका डॉक्टर दिया प्रिस्क्राइब, उसमें लिखा अच्छा ये ड्रग इतने टाइम चलेगी, ये सब चलेगी, ठीक है, तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है, हम इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ये फार्मासिस्ट के लिए बेनिफिट है, ठीक है, मतलब फार्मासिस्ट यदि बताओ बीमारी के बारे में जान रहा है सब कुछ क्या कर सकता है, वो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है उसे जल्दी से जल्दी ला के प्रोवाइड करा देगा। तो ये था किसके बारे में,
फार्मासिस्ट के बारे में मान लेते हैं क्या होगा, यानी बेनिफिट टू ठीक पेशेंट, पेशेंट के लिए बेनिफिट क्या होगा, इट इंक्रीज इफिशिएंसी, यानी क्या लिखा, इफेक्टिवलीनेस ऑफ ड्रग्स, मतलब क्या होता है, आप देखिए यदि फार्मासिस्ट को यानी फायदा हो चुका, वो जान चुका सारी चीजें, तो एक सुटेबल मेडिसिन किसे देगा, पेशेंट को, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी क्या होगा उस पर ड्रग्स जो रहेगी इफेक्ट करेगी, और क्या करेगी, ड्रग्स जो यूज किया गया जल्दी जल्दी इन्हांस होगी और डेवलप कर जाएगी, मतलब वो क्योर, हम डिजीज पे क्या कर सकते हैं, अपनी काबू पा सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, बेनिफिट, ये पेशेंट के लिए बेनिफिट है, बताओ जितना जल्दी पेशेंट सही होगा उसके लिए उतना अच्छा है। लिखा ए पेशेंट रिसीव ए ठीक है बेटर एंड सफिशियंट नॉलेज अबाउट ड्रग्स। हाँ देखिए फार्मासिस्ट के बारे में पता है, ठीक है फार्मासिस्ट को उसके बाद बीमारी में बारे में पता है, तो क्या करेगा, जो भी ड्रग्स देगा ठीक है, तो उसे पेशेंट को बताएगा अच्छा ये मेडिसिन इसके लिए आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बनेगा उसके अंदर और जल्दी से क्या हो जाएगा, वो क्योर कर जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है डिक्रीज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यदि फार्मासिस्ट को पता तो पेशेंट को भी क्या होता है, सब कुछ देखिए फार्मासिस्ट को पेशेंट के बारे में सब कुछ पता, तो ये क्या ऐसी मेडिसिन देगा जो एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो, ठीक है कम से कम या ना के बराबर हो, एडवर्स इफेक्ट यहां से दे रखा ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखा डिक्रीज मेडिकेशन मिस्टेक, मतलब आप देखिए मेडिकेशन मिस्टेक भी उससे बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसे देखिए फार्मासिस्ट बता दिया अच्छा भाई ये मेडिसिन ये सुबह लेना शाम लेना दोपहर लेना, मान लेते हैं देखिए अच्छे फार्मासिस्ट रहते हैं कम्युनिकेट बढ़िया कर लेते हैं तो रंग से ही बता देते हैं, मान लेते कोई अनपढ़ आदमी रहे तो उस पर पिक्चर बना देते हैं ऐसे गोली गोली, यानी ये सुबह एक गोली शाम को खाना ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे से बता देते हैं, अच्छा ये ड्रग्स है भाई ये अप्लाई करना है यहाँ पर करना है, घाव पर अप्लाई करना है, जहाँ सूजन हो गए यहाँ अप्लाई करना, वो सारी चीजें, तो ड्रग जो यानी मिस्टेक होगा वो सबसे कम होगा, यानी डिक्रीज द मेडिकेशन मिस्टेक क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या लिख दिया, नेक्स्ट पॉइंट में डिक्रीज द चेंज फॉर द इंटरेक्शन टू ड्रग्स एंड ड्रग्स टू फूड, मतलब आप देखो पेशेंट को पता अच्छा ये दवा इसके साथ खानी, बोलते नहीं 5 मिनट के अंतराल में खाइए 10 मिनट के अंतराल में ये दवा खाइए ठीक है, तो बताओ क्या होगा, जो ड्रग्स से ड्रग्स इंटरेक्शन वो बहुत कम हो जाएगा, या मान लेते हैं बात नहीं अच्छा ये ड्रग्स यदि ले लिए हो तब इतना दिन तक इतना देर तक तुम्हें ये खाना नहीं खाना है, ऐसे आप सिरप पी लिए तो हमारे गले में लगना चाहिए थोड़ा देर के लिए है कि नहीं, तो बोलते हैं कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप पानी मत पीजिएगा ठीक है, तो सब बताओ क्या होगा, यदि आप फार्मासिस्ट अच्छे से समझा दिए तब पेशेंट को ये सब करेगा तो जल्दी से जल्दी उसे क्या करेगा बेनिफिट मिलेगा, ऐसे बहुत से फूड रहते हैं यानी खाने रहते हैं जो फूड के साथ इंटरेक्शन करके पॉइजन नेचर बना देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा उसे बेनिफिट मिलेगा, तो ये हो गया इनके बारे में ठीक है। तो दे रखा स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, मतलब ये सेकेंड टॉपिक है, यानी हमने यानी देखा क्या देख लिया, पेशेंट काउंसलिंग को हमने डिटेल में देख लिया, पेशेंट काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव बेनिफिट हमने डिटेल में देख लिया ठीक है। अब क्या रखा स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, ये उसका सेकेंड टॉपिक है, उसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पेशेंट यानी स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, स्टेज हर एक जैसे स्टेज होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपको तुरंत एडमिट कर देंगे, पहले जाएंगे ओपीडी में डॉक्टर को दिखाएंगे ठीक है, डॉक्टर देखेगा अच्छा ये सब बीमारी है तो उसका क्या करेगा एक एडमिट फाइल बनाएगा, फिर रिसेप्शन बॉक्स पे जाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे वो सारी कागज वगैरह बनेगी, फिर क्या कर दिया आपको जनरल वार्ड में रखा जाएगा, फिर आपका जो मेन वार्ड है वहाँ पर रख दिया जाएगा, अब मेन वार्ड में ऐसे डिवीजन कर दिया जाता है ठीक है, डिवीजन ऐसे देखे होंगे कर दिया जाता है जिसे बोल दिया जाता है अच्छा ऑपरेशन हुआ है ठीक है, जैसे मान लेते इतना बड़ा सा रूम है ठीक है, तो ऑपरेट हुआ तो इसे क्या कर देते हैं यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था रही है, सारी चीज़ें यहाँ आपको रखी जाती है, थोड़ा सा देखेंगे जो थोड़ा सा अभी न्यू एडमिट हुए हैं ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा यदि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो उन्हें साइड में रखा जाता है, उनका भी केयर किया था, मगर उन्हें ठीक साइड में रख दिया जाता है यहां पर, क्योंकि देखिए साइड में रखा गया क्योंकि बेड की ज्यादा वैसी नहीं, तो स्टेज है कि नहीं वही चीजें क्या होगी काम होगा, तो लिखा स्टेज आप कितने होते हैं, पेशेंट काउंसलिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन स्टडी दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट फॉर द इफेक्टिव काउंसलिंग, कहने का मतलब क्या होता है टू वेव कम्युनिकेशन होता है ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट से कैसे क्या कर देता कम्युनिकेट करता, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टेज ऑफ ठीक है स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं ठीक है। तो ये दे रखा टू वेव से, तो हमें क्या कर देते हैं ठीक है इसी को हम यहाँ पर बताते हैं कितने स्टेज में, दो तरह के होते हैं ठीक है, दो तरह के होते हैं मगर चार स्टेज में किए जाते हैं, पहला स्टेज क्या होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, यानी सेशन के प्रिपरेशन के लिए
किया जाएगा। फिर ओपनिंग ऑफ सेशन, ठीक है, ओपनिंग ऑफ सेशन मतलब समझे कि नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय यानी इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, और क्या होगा सत्र की पहचान यानी तैयारी, मतलब जैसे उसे दे दिया जाएगा कुछ भी तो उसकी तैयारी करानी रहेगी, इतना प्रिपरेशन फॉर सेशन। फिर देखा ओपनिंग ऑफ सेशन मतलब सत्र का तुम्हें क्या कर देना है, उद्घाटन करना है, एक तरह से देखा जाए ओपनिंग यानी खोलना है, ठीक है। फिर क्लोजिंग कंटेंट यानी क्लोजिंग काउंसलिंग प्रोसेस होता है, सॉरी काउंसलिंग कंटेंट होता है, काउंसलिंग कंटेंट मतलब परामर्श की सामग्री, जैसे ऑपरेट कराना है, ठीक है, तो हम उसकी जितनी भी सामग्री रहेगी, ड्रग्स रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ला के वहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। क्लोजिंग ऑफ सेशन, उसके बाद क्या करेंगे, यदि सारी प्रक्रिया हो गई तो उसे हम क्लोज करेंगे, ठीक है। इन्हीं स्टेज को हमें क्या कर देना है, चारों स्टेप में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेज आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, पहला स्टेज क्या दे रखा है, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनिए। पहला लिखा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब क्या होगा, यदि कोई पेशेंट आया है तो उसे क्या करेगा, पहले इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बोलिए क्या बोलते हैं भाई, हाँ सर ये हमारा नाम है, ये गाँव पता, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि नहीं, वो चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है, मतलब उनका नाम लिख देंगे। फिर तुमसे क्या लिखा, रिवाइव पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब वो जो पिछला रिकॉर्ड से जितनी भी दवा चला रहा है उसकी जितनी भाई कहाँ से पर्ची, ठीक है, कहाँ से दवा कराते थे, कितने दिन से कराते थे, ये सब कुछ नॉलेज हम रखेंगे, जिससे हिस्ट्री पता चलेगा, अच्छा ये मेडिसिन इन्हें चली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनके मेडिसिन आगे की तरफ चला सकते हैं, ठीक। तो वही कह रखा है रिवाइव पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, उसे भी हम देखते हैं। एक्सप्लेन द पर्पज एंड इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग, उन्हें बताते हैं, ठीक है, ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मतलब आप देखिए डॉक्टर से आप कुछ भी छिपाएंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, मतलब पेशेंट के लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये चीजें क्या रखा, पर्पज और इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग के बारे में उसे डिटेल में बताएंगे कि भाई देखिए आप यदि आप सही से यहां सारी चीजें बताएंगे तो आपका जल्दी से जल्दी डिजीज का क्योर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। लिखा है अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री यानी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी हिस्ट्री की जो भी मेडिकेशन है उसकी हिस्ट्री को हम डिटेल में देखेंगे, क्या कैसे कैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं बहुत सारी ड्रग्स से उसे एलर्जी रहे, ड्रग्स हिस्ट्री देखेंगे, अच्छा मान लेते हैं एलर्जी देखेंगे, बताओ अच्छा ये मेडिसिन इससे इसको एलर्जी है तो इसे हमें देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स हिस्ट्री देखेंगे, ड्रग्स हिस्ट्री मतलब जो भी आप उसे मेडिसिन चलाई जा रही थी, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया तो रेसिस्टेंस तो नहीं हो गई है, ठीक है, हम दूसरी दवा उसे चला के ट्रीट कर सकते हैं, तो इस एलर्जी को भी देखेंगे, ड्रग्स यानी ड्रग्स हिस्ट्री को भी एकदम डिटेल में देखेंगे। फिर तुमसे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ऑब्टेन ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अब मतलब ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जैसे सच एज एलर्जी यूज ऑफ हर्बल, मतलब क्या होता है, जैसे नहीं होते हैं हकीम वगैरह, ठीक है, वो सब क्या कर देते हैं जड़ी बूटियां वगैरह खाने लगते हैं, ठीक है, देखो जड़ी बूटियां भी सही है मगर सुटेबल मात्रा में मिले, उसमें कोई मिलावट न रहे तो बहुत ही बेनिफिट है। तो यही चीजें कर रखे, हम सारी इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में उन्हें कायदे से पूछेंगे अच्छा ये ड्रग्स खा रहे थे क्या है तुम्हें रिस्पांस मिल रहा था, तो बोलेगा सर खजूली, तो हम जान जाएंगे अच्छा इससे ये एलर्जी इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे साइड में कर देंगे। एक्सेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन फॉर थेरेपी, मतलब उसे पूछेंगे क्या रीजन है कि आप थेरेपी करा रहे हैं, ठीक है, तो बोलेगा सर देखिए ये हम कमा लेते हैं, आप कोई चीज़ है ठीक ऐसे गिर गए थे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे गिर गए थे ऐसे चोट लग गई, ये सारी चीज़ बताता है तो हम जानते हैं अच्छा इसे ऑपरेट कर दिया जाएगा तो ये जल्दी रिकवर कर दिया जाएगा, यदि मेडिसिन दे के ही थेरेपी करके उसे सही कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे सब कुछ डिटेल में पहले हमें बताना पड़ेगा, ये पहला स्टेज के बारे में है, ठीक है। स्टेज नंबर सेकेंड पे तुमसे क्या दे रखा है, स्टेज नंबर देखो ना ओपनिंग ऑफ सेशन, इसमें क्या होगा पर्सनल एसॉर्ट, ठीक है, असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट जैसे उसका पर्सन का नाम हो गया, एज हो गया, ये सारी कुछ हम डिटेल में देखने, इसमें उसके बारे में हम लिखेंगे कागज के बारे में, ठीक, कागज पे लिखेंगे उसका नेम लिखेंगे, एज ऑफ पेशेंट मतलब किसके अकॉर्डिंग है, हो सके तो वेट वगैरह भी बहुत सारे डॉक्टर क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं, बीपी वगैरह सब टू डिटेल में लिख देते हैं। एक्सेस द, ठीक है, पेशेंट, ठीक है, पेशेंट मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करंट, मतलब इस समय उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, यानी पागल की कैटेगरी में नहीं है, यदि अच्छा है थोड़ा एजुकेटेड है तो उसे हमें समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, यदि मान लेते हैं अनएजुकेटेड पढ़ा लिखा नहीं रहा तो हम उसे देसी भाषा में बात करेंगे, चाचा जी क्या हो गई, अरे इसे चोट लग गई साहब, तो बताइए ना, तो उनके भाषा में हम करेंगे, अब बताओ कोई चाचा जी आए इंग्लिश में बात करें तो समझबा नहीं करेंगे, तो आपका ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, तो काउंसलिंग करने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। लिखा है सेंसरी और फिजिकल स्टेट को उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, उनका जो जैसे मान लेते हैं कहीं चोट लगी है यहाँ पर देखेंगे तो सेंस कर रहा है कि नहीं, और उनका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट भी देखेंगे, अच्छा है हिस्ट पुष्ट है, मतलब यदि अच्छे खासे हैं तो हम क्या करेंगे ज़्यादा उसमें, ठीक है, तो ज़्यादा जैसे क्या होता है हमें
देखो अब जान जाएंगे तो मतलब उनके शरीर को देख के ही बता देंगे, अच्छा ठीक है हीमोग्लोबिन कितना है। एक्चुअल में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, मगर यदि हिस्ट पुष्ट है, फिजिकल स्टेट फिट है, तो जान जाएंगे अच्छा चलो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो नॉर्मल हम क्या कर देते हैं, जो भी जाँच रहता है जल्दी से लिखवा लेते हैं, काम बन जाता है। ठीक, कंजगेटिव एबिलिटी, ठीक है इसे भी हम क्या कर देंगे देख लेंगे। दूसरा पेशेंट टू यूज मेडिकेशन, मतलब जो पेशेंट है कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर चुका है ऑलरेडी, तो इस सबको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये पर्सनल हो गया। फिर क्लिनिकल देख लेते हैं में, ठीक है, तो इसी का बी हमें क्लिनिकल असेसमेंट दे रखा था। हाउ टू यूज मेडिकेशन, मतलब क्लिनिकल के बारे में बताएंगे कैसे यूज करते थे मेडिसिन को, इसके बारे में हम पूछ लेंगे। लिखेंगे एटीट्यूड टुवर्ड मेडिकेशन, मतलब जो भी पर्सन है मेडिसिन के प्रति उसका एटीट्यूशन कैसा, नहीं बोलते हैं कितना मरते ये सब दवाई वाई खेले से कोई फायदा वायदा ना आई बा, ये सब बोलते हैं ना। ठीक, तो उसका एटीट्यूड देखेंगे। ठीक है, तो उसे बताएंगे भाई देखिए आप जल्दी जल्दी दवा खाएंगे, जल्दी जल्दी मतलब एक का जाए कि 50 खा जाएंगे, मतलब टाइम टू टाइम प्रॉपर फूड सब कुछ मैनेज करेंगे तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो उसके बारे में एटीट्यूड के बारे में उसके देखेंगे कि मेडिसिन के प्रति इसका एटीट्यूड क्या है। नहीं देखिए कितने लोग होते हैं, देखिए डॉक्टर पे आदमी विश्वास कर लिए, दवा पे विश्वास कर लिए जल्दी रिकवरी हो जाती है, कितने लोग बा मर दे डॉक्टर कुछ ही नहीं करा रहा, ठीक है दवाइया नहीं काम करा, तो सही है कमा दवा नहीं काम करेगी क्योंकि बॉडी हमारी उसी तरह रिस्पॉन्स करती है। ठीक, नेक्स्ट में लिखा है, लिखा पॉसिबल बैरियर ऑफ ड्रग्स, मतलब ऐसे कौन कौन से ड्रग्स के बैरियर है उसके बारे में हम उनसे पूछ लेंगे। पेशेंट नॉन अधेस है, ठीक है, यदि देखा जाए तो पेशेंट यानी दवा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सब कुछ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, क्या लिखा है विलिंगेस ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के बारे में हम क्या करेंगे, विलिंगेस के बारे में उसे डिटेल में समझाएंगे भाई, ये सब कुछ नोट करेंगे हम इसके बारे में था। ठीक है, ये था स्टेज के फर्स्ट के बारे में। स्टेज नंबर सेकंड आपका यहां, सॉरी स्टेज नंबर थर्ड यहां से दे रखा, आपको देख सकते हैं यहां से। स्टेज नंबर थर्ड में क्या कहा गया इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, स्टेज नंबर थर्ड में क्या कहा गया, पहला स्टेज में लिखा गया, लिखा द कंटेनम काउंसलिंग इज अ सपोज टू द, ठीक है, सपोज टू बी द मोस्ट इन द सेशन इज अ फार्मासिस्ट विन, कहने का मतलब क्या कहता है, यदि काउंसलिंग यदि अच्छे से हुई है तो जो भी फार्मासिस्ट रहेगा तो उसमें विनिंग कर जाएगा, मतलब वो जीत जाएगा और उन्हें जो भी सुटेबल से सुटेबल मेडिसिन रहेगा उसे प्रोवाइड कर जैसे रिकवरी जल्दी से हो सके। ठीक है, तो इसमें पहला तुमसे देखिए क्या होगा, इसमें बहुत सारे स्टेज यहाँ सामने आपके है। ठीक है, तो यहां से लिखा दिस टाइप ऑफ स्टेज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिलीवर ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब यदि देखा जाए इस स्टेज में क्या क्या होता, पहले नेम और डोज ऑफ ड्रग्स, मतलब वो का नाम तो पहले लिख दिए हैं, फिर उस ड्रग की डोज के बारे में बताओ सारी इन्फॉर्मेशन, उसके पता चल गया इसका वेट कैसा है, ये सारी चीजें पता चल गई तो हम डोज बताएंगे, अच्छा एक गोली सुबह शाम यानी ओडी बीडी टीडीएस एसओएस, ये सारी चीजें हम उसके बारे में उन्हें बता देंगे डिटेल में। ठीक है, मेडिकेशन यूज के बारे में बताएंगे, ये मेडिसिन आपको ये यूज करना है और उसका एक्शन प्रोजेक्ट बेनिफिट, मतलब सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अच्छा ये देखो मेंशन यूज, उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए जाते हैं कोई रैपर हो गया, ठीक है, इसमें कोई आप मेडिसिन भर दिए तो लिख देते हैं आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से लग देते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा शाम हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सुबह हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक एक गोली ऐसे खिला देते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं कि नहीं, या हम क्या कर देते हैं कोई रैपर रहता है SOS लिख देते हैं, जब आवश्यकता होती है या दर्द होने पर, ये सब कुछ लिख देते हैं कि नहीं, वही मेंशन यूज किस यानी यूज कैसे करना है। ठीक, एक्शन उन्हें बताना कि मतलब अच्छा ये भाई गैस की दवा है तो उसे लगेगा अच्छा हम सुबह खा लेंगे खाली पेट तो हमें गैस के पूरी दिन एसिडिटी से आराम रहेगा। ठीक, तो उसके यूज के बारे में बताना, एक्शन के बारे में बताना, प्रोजेक्ट बेनिफिट के बारे में बताना, फायदा भी बताना भाई कि अच्छा SOS ये दर्द होने पर यदि खा लिएगा तो दर्द आपका खत्म हो जाएगा, तो उससे पेशेंट को लगेगा अच्छा हमें दर्द होना तो ये खा लेंगे तो हमारा बेनिफिट जल्दी हो जाएगा, तो ये सारी चीजें उसमें बताता। रूट बताना, मतलब किस रूट के थ्रू बताना, सबसे देखिए ये वाला स्टेज देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप एक अच्छे फार्मासिस्ट हैं, देखिए कोई भी आता है बूढ़े आदमी तो उसे आप अच्छे से समझा देंगे भाई देखिए ये जो दवा चाचा जी इसे ऐसे करिएगा ऐसे लगाइएगा, ठीक है कि नहीं, आप बोल दिए ऐसे दो तीन सिरप दे दिए भाई ये दो ढक्कन खा लिया है लगा लिया और है सुबह शाम खा लिया ऐसे तीन चार दवा दे दिए फेंक दिए सही समझाइबा नहीं किए तो क्या होगा, जो मान लेते हैं पीने वाला था वो लगा लेगा, जो लगाने वाला वो पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, तो अगले दिन तो कोई यही बा नहीं करेगा। आप अच्छे से समझा देंगे चाचा जी देखिए इस पे ये लगाने वाला है, बना उना देंगे डायग्राम थोड़ा सा बना देंगे उस पे लिख देंगे लगाइएगा घाव वाले स्थान पे, तो इसे समझा देंगे तो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है बहन जो रहा बाबू ठीक है ठीक है, कहेंगे क्या वो बहुत बढ़िया आदमी रहा बहुत बढ़िया समझौला देखा तुरंत ठीक हो गए, बोलते हैं ना बूढ़ उल्लू के ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो आपकी मेडिसिन जो भी मेडिकल स्टोर वगैरह है सब अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं भाई। ठीक है,
रूट के बारे में बताना है कि किस रूट से अभी खाना लगाना है कि खाना है कि अप्लाई करना है कि ठीक इन्हेलेशन लेना। आप बताओ कहेंगे इन्हेलर है, उसे बताइए नहीं कहीं कैसे इन्हेलर लेगा तो क्या करेगा, खोल के ठीक है जितना भी उसमें गोली उली रहेगा वो सब क्या खा लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, मतलब जो उसमें जो गैस के फॉर्म में उसे उड़ा देगा, जहां घाव लगा वहां स्प्रे कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो रूट बताना, डोज बताना, थ्रो राइट शेड्यूल, मतलब राइट शेड्यूल के जरिए उसे खाना, शेड्यूल तो जरूरी है ठीक है। अब लिखा ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये दवा कितने दिन तक खाई जाएगी, नहीं कितने लोग होते हैं चलो भाई ठीक है उन्हें बोल दिया जाएगा 10 दिन तुम दवा चला देना, 5 दिन खाएं फिट बे मर दे फिट तो वाटी को उन्हें टेंशन ना आया ठीक है। तो 5 दिन की दवा लिया क्या करेंगे, दूसरे को दे देंगे चाहे वापस रख देंगे चाहे रखे रहेंगे चाहे लेबर नहीं करेंगे ठीक है। तो उन्हें बताना कि भाई इतना दिन तक आपको ड्रग्स चलानी है, देखिए एंटीबायोटिक से यदि खिलवाड़ किए हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इंडिया से बहुत सारी कंट्री डरती हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्सन रहते हैं कोर्स भर दे मेडिसिन को चलाते नहीं हैं। अब बताओ वो बैक्टीरिया यदि रेसिस्टेंस हो जाएगी तो और दवा चलाने पड़ेगी, फिर वो भी नहीं चलाएंगे तो और रेसिस्टेंस, इतना खतरनाक हो जाएगी कि धाकड़ से धाकड़ में एंटीबायोटिक से भी नहीं मरने वाले, तो ये सब भी बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मतलब उस एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बारे में उसे हम बताना पड़ेगा। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, मतलब उसे बताना कि एडवर्स इफेक्ट एक्चुअल में इसे क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड ड्रग्स, फूड और ड्रग्स के बारे में बताना, बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं अच्छा ये दवा खाना तो ये आपको सब्जी नहीं खानी है ये चीज़ नहीं खानी है, तो ये सबको आपको बारे में बताना पड़ेगा एकदम VIP तरीके से ठीक है। फूड और ड्रग्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके बारे में ठीक। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, ऐसे स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर रखना कि नहीं बच हम क्या कर दें ठीक है, आपको दे दिया जाए क्या मेडिसिन दवा दे दिया जाए तो क्या करेंगे, जहाँ वो रहता है जहाँ नहाते होते हैं वो वहाँ पर रख देंगे, अर्गनिया टांग देंगे ठीक है, मतलब कहीं भी रख देंगे, नलवा जा रहेगा नलो वलो पर रख देंगे हम सब लोग ठीक है, जहाँ पानी उनी जा रहा है वहाँ पर रख देंगे, तो वो सब वाटर को क्या करें एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है ठीक है। तो वही चीज़ क्या हो सकती, खराब हो सकती है। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी बताना है एकदम VIP। देखिए यदि दवा आपके घर में लंबे समय तक चलती है तो एक डिब्बा लीजिए, उसी डिब्बे में सब मेडिसिन रख के बंद करके ठीक है रख दीजिए, जब जरूरत पड़ी तो सुबह शाम जाना यहाँ पर पेशेंट के जरिए रख देना। पेशेंट को एक बार से फार्मासिस्ट हो गया चाहे मान लेते अनकॉन्शियस है मतलब वो बेड पे है ठीक है, तो उसे यदि थोड़ा बहुत खाटा खड़ा हो पा रहा है या बैठ हो पा रहा है तो उसे डिब्बा लाग दे देंगे, तो उसे एक बार समझा देंगे अच्छा ये दवा इसे खानी है, तो क्या कर लेगा उसे निकाल के खा लेगा, पानी उनी दे देंगे तो ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन यदि रहेगी तो उसके हम क्या कर सकते हैं ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब उस दवा को हम लंबी टाइम तक क्या कर सकते हैं सही से रख सकते हैं ठीक है। ये तीसरा स्टेज था। चौथा स्टेज तुमसे क्या बोल रहा है, चौथा स्टेज आपके सामने है, कह रखा है चौथा स्टेज यानी क्लोजिंग ठीक है, क्लोजिंग द सेशन यानी क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, मतलब क्लोज करना है ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, बिफोर द ठीक है कंक्लूडिंग द काउंसलिंग सेशन द फार्मासिस्ट टू बी द डबल चेक द पेशेंट नॉलेज इन ग्रेस द मेडिकेशनल यूज, मतलब आप देखिए क्या ये सब आपको समझा दिए उस पर्सन को ठीक है, तो उनसे पूछना है कि यदि उसे समझ में आया कि नहीं ठीक है, तो उसे बहुत सारा हम क्वेश्चन डबल चेक करेंगे मतलब सही है कि नहीं ठीक है। जैसे कोई ड्रग्स लेकर आया कोई दवा लेकर आया तो उसमें देखेंगे अच्छा सही दवा दिया गया है कि नहीं, सही रूटीन पे लिखा गया है कि नहीं, इसका मान लेते हैं रैपर सही से लिखें रैपर में अदली बदला हो जाएगी, तो उसे हम डबल चेक करेंगे कि सही है कि नहीं ठीक है। पेशेंट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कैन बी एग्जामिन अ द क्लोजिंग सीजन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब उसे क्या करेंगे घर जाने से पहले, चलो यहाँ पर रह रहे हैं तो फार्मासिस्ट नर्सेस उसे प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ दे रहे थे ठीक है, मान लेते हो घर जा रहा है ठीक, तो उसे हम क्या करेंगे दवा को चेक करेंगे VIP तरीके से, फिर क्या करेंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे कि बहुत ये हमारी बातों को समझ रहा है कि नहीं, सबसे पहले क्या डू यू रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस मेडिसिन, अब तो उससे पूछेंगे भाई ये किस पर्पज के लिए दवा यूज करेंगे, कहेंगे अरे साहब बहुत दर्द हो रहा था इसे हम इसे यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो उस क्या करेगा दे देगा। हाउ लॉन्ग शुड बी यू टेक दिस मेडिकेशन, तुम्हें लंबे समय तक यूज नहीं करना है ठीक है, यदि यूज करना है तो पूछ के यूज कर देना, तो वो सारी चीजें क्या होगा वो क्वेश्चन बताएगा जी सर 5 दिन के लिए बोला गया था 10 दिन के लिए बोला गया था, ये सारी चीजें बोल देंगे ठीक है। व्हाट विल यू डू ठीक है यू डू इफ यू मिस एनी डोज, मतलब यदि आप कोई भी यदि डोज का ड्रग्स का डोज है उसे आप स्किप करते हैं खाते नहीं है, जैसे सुबह खाएं शाम को नहीं खाएं तो आपको क्या होगा, तो कहेगा डॉक्टर साहब पर डे खाएंगे क्योंकि हमें जल्दी से ठीक होना, तो सब बताइए जल्दी जल्दी दवा देगा तो हम जान जाएंगे अच्छा बंदा समझ चुका है। पेशेंट हैव द एनी डाउट, पूछेंगे भैया कोई डाउट है, कहेंगे नहीं साहब कोई डाउट नहीं, तो जा बहु घरे ठीक है पूरी सब्जी चूरा दही बकायदे पिटिया पूरी सब्जी खैया
ओके बाद तू दवाई ववाई खाइबा तो फिटी आई जाएगा, कोनो टेंशन नहीं। तो यानी पेशेंट भी हंस के उसके बाद आपके क्या करेगा, कहेगा टाटा बाय बाय, ठीक है। तो उसी तरह से देखा जाए तो आपका ये वाला पोर्शन हमने डिटेल में कवर कर दिया, पेशेंट काउंसलिंग और स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग को हमने डिटेल में कवर किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।